आम पन्ना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ के जी जो है कच्चे आम ले लिए हैं। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके रख लिया है और अभी जो है सबसे पहले मैं ऊपर का इसका मुंह जो है चाकू की हेल्प से कट कर दूंगी। और हमें छिलका नहीं छिलना है, आम पन्ना जो है छिलकों के साथ ही बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो है पांचों आम के जो है इस तरीके से ऊपर कट कर दिया है और उसके बाद जो है हम इसको पीसेस में कट करेंगे। तो बहुत लोग इसे साबुत ही जो है सीटी लगा देते हैं, भाप में गला देते हैं, बट मैं यहाँ पर कट कर देती हूँ ताकि पल्प जो है काफ़ी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरीके से ना हम आम के दो दो पीसेस कट कर लेंगे दोनों तरफ से और बीच में जो है गुठली उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अभी जो है सारे आम में ना गुठली आ गई है। तो आप किसी भी तरीके के आम का जो है आम पन्ना बनाइए, टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं पहले सारे आम जो है कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आम कट करके रख लिए हैं और अब मैं जो है इसे बॉईल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर ले लिया है, कुकर में मैं डाल दूँगी 2 जग पानी। तो यहाँ पर मैं पूरा आम जो है पानी में डूब जाए इतना पानी डाल रही हूँ और यहाँ पर मैंने देखिए पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद जो है मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक और बस, और कोई मसाला मैं अभी नहीं डालूंगी। और उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा दूंगी कुकर का और कम से कम 3 से 4 सीटी आने तक मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। तो यहाँ देखिए 2 से 3 सीटी आ गई थी और आम जो है एकदम अच्छे से गल गया है, इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है और ये देखिए पानी का कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि जो आम का पूरा फ्लेवर है अच्छे से पानी में भी आ गया है। तो यहाँ पर मैं एक आम उठा के दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल गल गया है ये अच्छे से आम। तो बस यहाँ पर हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम इसका पल्प निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए आम बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब जो है हम इसका पल्प निकालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच ले लिया है और चम्मच की हेल्प से इस तरीके से हम एक एक आम लेकर और आराम से पल्प निकाल लेंगे। बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पल्प निकल जा रहा है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही है। आराम से जो है मैं इस तरीके से चम्मच की हेल्प से पूरा जो है पल्प निकाल ले रही हूँ। तो मैं सारे आम का इसी तरीके से पल्प निकाल कर अलग जो है बर्तन में रख लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारा पल्प निकाल लिया है और अब जो है इसमें पानी बचा है तो पानी को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि इसमें जो है आम का पूरा रस निकला है। तो इसे हम साइड रख लेंगे और इसको जो है पल्प को हम ग्राइंडर में चलाकर एकदम फाइन पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने पल्प को ग्राइंडर में चला लिया है और एकदम फाइन पेस्ट बन गया है बिल्कुल पल्प, और इसको जो है हम पूरा ग्राइंडर से निकाल लेते हैं। तो बस एकदम रेडी हो गया है यहाँ पर आम बनना। और आप ना इसे आराम से कम 2-3 हफ्ते तक फ्रीज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और यहाँ पर मैंने ग्लास ले लिया है, ग्लास में मैं सबसे पहले डालूंगी आइस, और अगर आपको नॉर्मल पानी में बनाना है तो आप आइस नहीं भी डालें तो चलेगा, और अगर ठंडा आपको आम पन्ना टेस्ट करना है तो आप इसमें आइस डाल दीजिए। और साथ ही इसमें डालिए आप 2 चम्मच जो हमने आम पन्ना बना कर रखा है आम का, और वो डालिए इसमें। और उसके बाद जो है इसमें डालना है हमें ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने जो है भुना हुआ ज़ीरा और लाल मिर्च का जो है पाउडर बना के पहले ही स्टोर कर लिया है क्योंकि आम पन्ना जो है मैं डेली बनाती हूँ घर में सभी के लिए। तो यहाँ पर जो है हम आधे आधे चम्मच इसमें जो है भुना हुआ ज़ीरा और लाल मिर्च जो है उसको भून के हमने जो पाउडर बनाया है उसको आधी आधी चम्मच मैं दोनों ग्लास में डालूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी काला नमक। तो आम पन्ना में ना काला नमक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और काला नमक डालने के बाद अगर आम पन्ना आपको मीठा बनाना है तो आप 1-1 चम्मच चीनी भी डाल दीजिए, लेकिन मैं जो है अभी यहाँ पर मीठा आम पन्ना नहीं बना रही हूँ, नमकीन ही बना रही हूँ। चीनी डाल देने से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस इसी टाइम जो है मैंने जो पानी जो है आम का रखा था उसमें और पानी मिला दिया था मैंने, और वो जो है मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल टेस्टी वाला और एकदम खट्टा जो है आम पन्ना बनकर रेडी हो गया है। टेस्ट तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ही लगता है, साथ में ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्पेशली गर्मी में जब लू चलता है ना उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे हेल्थ के लिए। हमें लू से ये बचाता है, पेट में एकदम ठंडक रखता है।
तो आप इस आम पन्ना की जो है रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप आराम से इसे ना अपने फ्रिज में बनाकर स्टोर कर सकते हैं और बिल्कुल आपको बाहर से पीने की ज़रूरत नहीं है। आम पन्ना घर में ही बनाइए और ये ड्रिंक अभी इस गर्मी में तो ज़रूर पीजिए, जिस तरह की गर्मी अभी पड़ रही है तो बिना पिए इसको बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए। तो एकदम ठंडा ठंडा और टेस्टी आम पन्ना की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी तरीके से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।